हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिवाइस यूज करता हूँ, जैसे ये लिख रहे मंत्रा। आप अगर मॉर्फो करते हैं तो मॉर्फो का ये सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी देखिए, बहुत सारे डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर देखिए, ये कमीशन प्लान, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये कमीशन प्लान हमारा खुल गया। देखिए कौन कौन सा कमीशन प्लान ए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लान ए, ठीक है। और कौन सा प्लान हमें देख लेते हैं, फिर देखिए ये रहा हमारा प्लान बी, ठीक है। फिर देखिए ये रहा हमारा प्लान सी। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा प्लान कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। नंबर वन, आप जैसे देख रहे हो कि प्लान ए के बारे में बता रहा हूँ कि आप देखिए कि 1 रुपये से 200 रुपये में जीरो कुछ नहीं है, 200 से 1000 तक में 50%, 1000 से 1500 में 1 रुपये है, 1500 से 2000 में 3 रुपये है, 2 से 2.5 तक में 4 रुपये, 2.5 से 3 तक में 5 रुपये, 3 से 8 तक में आपका 7 रुपये, और 8000 से 10000 तक ऑर्डर में 10 रुपये है। ये कमीशन लगभग मुझे लगा कि अब तक मैं प्लान ए प्लान बी सी तीनों बताता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा कि मुझे प्लान ए क्यों सबसे बढ़िया लगता है। मैं प्लान ए ही हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कमीशन सही लगता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ प्लान बी के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनिए।
कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और हर स्टेप में आप जैसा कि देख सकते हैं हर स्टेप में आपका अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है एज कम्पेयर टू प्लान ए एंड प्लान बी। लेकिन हाँ, प्लान ए मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्लान ए में क्या है, मैक्सिमम जैसे यहाँ पे 8 से 10 हज़ार में जो ऑर्डर का दिख रहा है ना, वहाँ पे उसमें 10 रुपये तक के कमीशन है। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास ज़्यादा 8 से 10 हज़ार वाले ही कस्टमर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकूँ, इसलिए मैं प्लान ए सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये भी लेकिन प्लान सी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ध्यान दिया था पहले, लेकिन मेरा प्लान है करंटली एक्टिवेटेड। जैसे जाते हैं देख सकते हो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है करंटली एक्टिवेटेड, मैंने ये एक्टिवेट कर रखा है। आप चाहे तो कोई भी प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी आसानी है यूज़ करने में। अब मैं आपको मैं विड्रॉल बता दूँ, विड्रॉल का आपका तरीका तो मालूम ही होगा, कोई अगर न्यू है तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे आधार नंबर डालना है कस्टमर का, अगर वो भी नहीं होता तो आप ये बारकोड स्कैन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसानी से आपका बारकोड स्कैनर ले लेता है। यहाँ पे देखिए, आप अपना मोबाइल नंबर या कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आप वहाँ पे उनको मैसेज भेज सकिएगा। ठीक है, और ये रहा यहाँ पे डाउन में अमाउंट, कितना आदमी कस्टमर को विड्रॉल करना है। अगर कस्टमर को 500 हज़ार या 2000 या 3000 विड्रॉल करना है, तो अगर आपको टाइम बचाना है, ये रहा नीचे में देखिए ऑप्शन देख रही है 500 हज़ार 2000 3000, ये डायरेक्ट कोई भी क्लिक करके तुरंत इंस्टेंट आपका वो ले लेता है यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये आधार ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ता है, ये जो बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, उसके बाद डाउन में जैसे ही वो चीज़ हो जाएगा, आप यहाँ पे आके ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं स्कैन टू विदड्रॉल। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक डिवाइस लाइन चलेगा, फिंगर लग के वो आप कस्टमर विदड्रॉल कर सकेंगे, काफ़ी आसानी से विदड्रॉल हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। और यहाँ पे आपका सबसे बड़ी बात कि आप बैंक ऑप्शन कहाँ आता है, देखिए व्यू ऑल बैंक ऑप्शन है यहाँ पे। नॉर्मली आपका 3-4 बैंक ऊपर ऑप्शन दिखा देता है जिससे आप तुरंत काम कर सकते हो। ठीक है, व्यू ऑल बैंक में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे सभी बैंक का नाम आ जाता है, जैसे पूरा ये यहाँ पे लिस्ट बना पड़ा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है ना, सर्च बैंक, यहाँ पे अगर आप बैंक का नाम लिखोगे ना तो यहाँ पे तुरंत कोई बैंक तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आपको नीचे सर्च करके स्क्रॉल करके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा बैंक ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो हमें डायरेक्ट ऊपर बैंक का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ बैलेंस क्वेरी, सेम प्रोसेस है, बैलेंस क्वेरी आप यहाँ से फिंगर लगा के बैलेंस क्वेरी हो सकता है। और डिपॉजिट, डिपॉजिट मैं बता दूँ कि अभी इसमें सिर्फ आपका ICICI बैंक का ही ऑप्शन आया है, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सभी बैंक के भी ऑप्शन आ जाएंगे। फिलहाल अभी ICICI बैंक का है जिससे डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन पहले भी कुछ ही में भी डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी इसमें क्या क्या और फैसिलिटी है वो भी बताऊँगा। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि कमीशन के बारे में आपको बताऊँगा, कैसे आप कमीशन सेट कर सकते हो, कौन से कमीशन आपके लिए बेटर होगा, इसीलिए आपको मैंने इतना बता दिया। आप पहले ये ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।